डियर स्टूडेंट, कल हमने जो टॉपिक से इनकम फ्रॉम सैलरी का स्टार्ट किया था और उसके रूल जो डिस्कस किए थे, जिस पॉइंट पर कल हमने ये टॉपिक आपका क्लोज़ किया था, आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था वो वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के बारे में किया था। तो देखिए, आज शुरू करते हैं उससे संबंधित रूल। और यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्राइवेट सेक्टर पॉपुलेशन एज पर 2001 अबाउट 25 लाख बिटवीन 10 to 25 लाख एंड एनी अदर पॉवर्टी ऑन बाय द एम्प्लॉयर 15% ऑफ सैलरी फॉर पीरियड 10% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड और 7.5% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड। अगर कर्मचारी एक ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ की जनसंख्या 25 लाख से अधिक है तो वहाँ पर सैलरी का 50% होगा। यदि वो जिस शहर में मकान लेकर रह रहा है वहाँ की जनसंख्या 10 लाख से 25 लाख के बीच है तो 10% सैलरी का होगा, और अन्य शहर में 7.5% सैलरी का लिया जाएगा। उसके साथ साथ लीज़ और रेंट, यदि रेंट पर लेकर दिए है तो अमाउंट ऑफ लीज रेंट या 15% ऑफ सैलरी रेंट और 10% ऑफ सैलरी एंड रेंट और 75% सैलरी, जैसा भी एप्लीकेबल हो अप्लाई किया जाएगा। एंड हियर इज व्हाट इज़ द मीनिंग फॉर सैलरी फॉर हाउस एकोमोडेशन। हियर इज़ द मीनिंग ऑफ सैलरी। सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी डीए बेसिक सैलरी and DA if terms of employment provide bonus, commission, fees and all other taxable allowances. Any monetary payment chargeable to tax but not monetary payment in the nature of perquisite. तो जितना भी कैश में पेमेंट मिलेगा वो कैश का पेमेंट ही हमारी इसमें जुड़ेगा, चाहे वो सैलरी का हो, डीए का अंडर टर्म कंडीशन होना चाहिए, बोनस, कमीशन, फीस, दीज आर ऑल मोनेटरी बेनिफिट। लेकिन अन्य कोई ऐसा बेनिफिट जो मोनेटरी की फॉर्म में नहीं होगा वो नहीं जोड़ा जाएगा, और इस प्रकार से जो टोटल आएगा उस टोटल को ही सैलरी इस पर्पज के लिए माना जाएगा। एंड नाउ एग्जेम्पशन ऑफ एकोमोडेशन रूल। It is not applicable on the accommodation located in a remote area 40 km from town and where on account of transfer an employee is given two accommodation only one will be taxed for 90 days beyond that the lesser of the two will taxed. नेक्स्ट इज फर्निश्ड एकोमोडेशन। लेकिन यदि इसके साथ साथ यदि सेकंड कंडीशन यदि मकान जो है सेकंड कंडीशन यदि मकान जो है विद फर्नीचर मिला है तो पहले तो वैल्यूएशन उसी प्रकार से करा जाएगा जिस प्रकार से आप नॉन फर्निश मकान का करेंगे। स्टेप फर्स्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एकोमोडेशन विदाउट द वैल्यू एंड एट 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इफ ओन बाय एम्प्लॉयड और एक्चुअल हायर चार्ज वैन हायर फर्नीचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर include TV, fridge, radio and any household and appliances. तो यहाँ पर या तो फर्नीचर की लागत, फर्नीचर का दिया गया किराया जोड़ा जाएगा, यदि फर्नीचर का किराए पर नहीं कंपनी का अपना है तो उसकी वैल्यू का 10% ऐड किया जाएगा। फर्निश accommodation इन ए होटल।
it include accommodation in a hotel, in a model guest house. The value of perquisite is the lower of the two. 24% of the salary paid during the period when accommodation is taken or actual paid by the employer. No taxable if provided for 15 days in a previous year and when the employee is transferred. Accommodation at a concessional value. Value is determined as the follow. यदि मकान एक कर्मचारी को जो मिला गया है वो कंसेशनल बेस पे मिला है तो जैसे उसका वैल्यूएशन सिंपल प्रकार से करते रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे और उसमें से जो वैल्यूएशन हो गया उसमें से जो पेमेंट काटा गया है कर्मचारी की सैलरी से वो घटा दिया जाएगा. वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द अकोमोडेशन एज इफ इट इज नॉट प्रोवाइडेड एट ए कंसेशन. Deduction value for of rent charged from the employees. Perquisite for the free domestic servant. और यहाँ पर आइए मकान के perquisite की बात करते हैं प्राप्त होने वाले servants के perquisite की. When servants are engaged by employee and reimbursed by the employee taxable in all cases. When engaged by employee only specified employees are taxable. Servant allowances are always taxable. If servant are provided in a rent free accommodation they are not valued separately. Valuation of gas, electricity, energy or water supply. All assets are taxable except non-specified employees. Perquisite of motor car. Here is a most important perquisite of motor car. Motor car perquisite is respected of motor car is taxable only when the employee is not liable to fringe benefit tax like sole proprietor, charitable institution, etc. Private company employee will not pay any tax. Number first, car is owned. इसमें दो condition होती है. Number first, car is owned by employee. Car is owned on hired by employee. Expenses made by employer or expenses made by employee. तो इन सभी कंडीशन में अलग अलग तरीके से कार का वैल्यूएशन जो किया जाएगा उसकी कैलकुलेशन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. और स्टूडेंट यहाँ पर ये बात जानने की भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये वो पॉइंट है जो कि पेपर में सैलरी के क्वेश्चन के साथ निश्चित रूप से आता है. तो इसीलिए इस पॉइंट को काफ़ी अच्छी तरीके से ध्यान देकर आप इसको करें. आइए देखते हैं. मोटर कार परक्यूजिट. कार ओनर्ड बाई एम्प्लॉई. एक्सपेंसेस मेड बाई एम्प्लॉई नो टैक्स. जब कार एम्प्लॉई की है और एक्सपेंसेस पेड एम्प्लॉई कर रहा है तो कोई टैक्स नहीं होगा. एक्सपेंसेस मेड बाई एम्प्लॉयर office purpose only no tax. Used for private purpose actual expenses less recovery taxable. Partly used for private purpose and motor car and car owner by employees partly used for private. So here is a hey, स्मॉलर कार यहाँ पर लेस 80 फॉर स्मॉलर कार 1800 रुपीस पर मंथ. लार्जर कार फॉर 2000 पर मंथ. एड 500 पर मंथ फॉर ड्राइवर. वैल्यू ऑफ परक्यूजिट
हेयर इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, यदि कार छोटी है, छोटी कार के लिए 1800 रुपये पर मंथ कार के लिए, और 900 रुपये जो जोड़े जाएंगे वो जुड़े जाएंगे यदि उसको ड्राइवर मिला हुआ है। सेम थिंग बड़ी कार में 2400 रुपये और प्लस 900 रुपये ड्राइवर के। When car is on hired by the employer, car is used wholly for official duties, value or perquisite is nil. यदि कार कंपनी की अपनी है और कंपनी ने केवल ऑफिस पर्पज के लिए दी गई है तो ऐसी दशा में उसका परक्विजिट नील माना जाएगा। केस सेकेंड, कार इज यूज होली फॉर प्राइवेट और पर्सनली पर्पज फॉर एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। कार ओनर्ड बाय एम्प्लॉयर और कार टेकन बाय लीज बाय एम्प्लॉयर। तो हियर इज द वैल्यूएबल एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एट डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार लेस अमाउंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय। इन केस एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसिस और रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एट रेमुनेशन इफ एनी पेड ऑफ ड्राइवर लेस अमाउंट चार्जेबल फ्रॉम एम्प्लॉय वैल्यू ऑफ परक्विजिट। And car is used privately in the performance of duties and partly for private for personal purpose of employees or any member of his household. If expenses borne by employer, small car 1800 rupees per month plus 900 rupees per month driver ke. लार्ज कार में 2400 रुपये पर मंथ प्लस 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के। प्राइवेट एक्सपेंसेस बर्न बाय एम्प्लॉई, तो उस दशा में यदि प्राइवेट खर्चे स्वयं कर्मचारी करता है तो 600 रुपीज़ स्मॉल कार के लिए और बड़ी कार के लिए 900 और प्लस 900 ड्राइवर के हर कंडीशन में होंगे। Employee use motor car for private purpose in respect of first car, small car 1800 per month plus 900 per month, 2400 rupees per month plus 900 per month, and in respect of other case will apply. Deduction from salary. And now here is the here is the topic of deduction from salary. Professional, especially number first, GTI में से जो घटाया जाएगा उसके अंतर्गत सबसे पहले professional tax paid by the SSC under section 16(3), if any. Number second, entertainment allowance of label only for the government employees under section 16 subsection 2. मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारी को दी जाएगी और वो भी निम्न में से जो सबसे कम होगी। उसकी तीन कैटेगरी है, एक्चुअल अमाउंट, 1/5 ऑफ सैलरी और 5000। हियर इज द रॉन्ग अमाउंट, हियर इज द मेन अमाउंट इज ओनली 5000 रुपीज़ ओनली। द लीस्ट ऑफ द अबव विल बी अमाउंट फॉर द डिडक्शन। तो यहाँ गलत प्रिंट हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये 5000 लेंगे। And now the rule from retirement of a salaried person. जब एक व्यक्ति रिटायर्ड होता है तो रिटायर्ड पर्सन को सैलरी के स्थान पर जो अमाउंट दी जाती है पर मंथ बेसिस पे वो पेंशन कहलाती है। पेंशन और
इसके साथ साथ पेंशन की एक मुस्त रकम भी दी जा सकती है, पेंशन मंथली भी हो सकती है, उसके साथ साथ ग्रेजुएटी भी दी जाती है और रिट्रेचमेंट कंपनसेशन भी हो सकता है और कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेने पर भी हो दिया जा सकता है। तो इससे संबंधित रूल भी अब हम देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पेंशन। पेंशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10A। फर्स्ट, पेंशन फ्रॉम UNO, इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स। सेकंड, पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली ऑफ द अमर फोर्स एग्जेम्प्टेड। फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय टैक्सेबल एज पर द हेड ऑफ रिसीव्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पेंशन रिसीव्ड इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल। कमिटेड पेंशन, अनकमिटेड पेंशन, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैक्सेबल। कमिटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। कमिटेड पेंशन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज फुल्ली और पार्टली एग्जेम्प्टेड। एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी विद और विदाउट ग्रेजुएटी एग्जेम्प्ट फुल्ली। एम्प्लॉयज नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रेजुएटी इज रिसीव्ड 1/3 ऑफ नॉर्मल एग्जेम्प्टेड एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रेजुएटी इज नॉन रिसीव्ड 1/2 ऑफ नॉर्मल इज एग्जेम्प्टेड। लीव इनकैशमेंट सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेटिंग लीव इनकैशमेंट एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड एट द टाइम ऑफ टाइम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। व्हाइल लीव इनकैशमेंट व्हाइल इट सर्विस इज टैक्सेबल। And the and other rule are non-government employees are chargeable to tax on leave encashment while in service. Leave encashment at time of retirement, it is exempted on the basis of the least of the following. Number first, period to earn leave to the credit of employees at the time of the retirement of leave the job. Average monthly salary. Second point, 10-month average monthly salary. Third, the amount specified by the government of government rupees 3 lakh leave encashment actually received at the time of retirement. And here is the point. How to find out the average monthly salary? Salary for the purpose means basic salary and include DNS allowance if terms of employment or provident fund, commission if it is fixed percent base of the turnover. It is calculated on the basis of average salary down during the period of 10 months immediately preceding the रिटायरमेंट डेट वाइज। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा आज हमने ये रूल आपको कुछ बताए हैं जो कि रिटायरमेंट से रिलेटेड बताए गए हैं। रिटायरमेंट के साथ साथ हमने आपको कार से रिलेटेड परक्विजिट बताया है, हाउस रेंट फ्री हाउस कंसेशनल हाउस के बारे में बताया है और उसके साथ साथ पेंशन के बारे में बात करी है। तो स्टूडेंट, ये जो रूल आपके साथ डिस्कस किए गए हैं इन सभी रूल को आप ध्यानपूर्वक करते जाइए। ये रूल अभी और भी
बाकी हैं और कुछ पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करने हैं। जब ये सारे पॉइंट डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद वन बाय वन हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। लेकिन ये बात आप स्टूडेंट सभी ध्यान रखनी चाहिए कि न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से न्यूमेरिकल अवश्य आना है, 15 मार्क्स का आएगा। उसके साथ साथ 4 नंबर के जो शॉर्ट नोट आते हैं उनमें थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट भी आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी का भी आ सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी मार्क्स का सेल टॉपिक पेपर में लिया जाता है। इसलिए स्टूडेंट आप इसकी तैयारी करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो मेरे साथ डिस्कस करते रहिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।